ब्यूटी फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज हम जानेंगे कैसे हम पुरानी साड़ी को इस्तेमाल करके उस बहुत ही खूबसूरत ड्रेस बना सकते हैं। साड़ी को और उसके बॉर्डर्स को यूटिलाइज करके ड्रेस बनाते हैं। ये साड़ी है जो किसी की नॉर्मली होती है और ये इसका पल्लू है। मैं कुछ इस तरीके से इसका डिज़ाइन करूँगी कि इसके जो साड़ी का पल्लू है उसकी हम स्लीव्स डिज़ाइन करेंगे और जो इसके ये बॉर्डर्स हैं उन्हें हम दुपट्टे में और योक में यूज़ करेंगे। वीडियो लंबी ना हो, मैंने क्या किया कि पहले मैंने योक कट कर लिए और नीचे के पार्ट्स भी कुर्ती के कट कर लिए। जो फ्रंट का बॉडी पार्ट है आपको उसको क्या करना है, 2.5 इंच आपको उसे बड़ा रखना है बैक से। बाकी आपको योक जो है वो अपनी परफेक्ट फिटिंग के अकॉर्डिंग कट कर लेना है। योक मैंने यहाँ पर लिया था 14 इंचेस का, जिस पर हम इस तरीके से प्लीट्स डालेंगे और फिर हम योक बनाएंगे बॉर्डर का और उसे लगा लें। अब मैं यहाँ पर स्लीव्स के लिए मैं बॉर्डर्स को अलग कर रही हूँ। मैंने 12 इंच का स्लीव्स का ऊपर का पार्ट कट कर लिया और नीचे के लिए मैं ये येलो फैब्रिक है प्रिंटेड उसका इस्तेमाल करूंगी। मैं यहाँ पर ले रही हूँ 8 इंच चौड़ी और 32 इंच लंबी ले रही हूँ, जिसे ऑन फोल्ड में मैंने 16 इंच का ले लिया। अब क्या करना है, इससे क्या होगा कि बहुत अच्छी प्लीट्स आएंगी। क्या करना है कि 4 इंच की पट्टी जो हमने ली थी उसका हम तैयार कर लेंगे नीचे का कफ के लिए। आधी पट्टी में आपको पेपर फॉर्म लगा लेना, उसे ऑन फोल्ड कर देना, तो ये आपका बॉर्डर तैयार हो जाएगा। योक के लिए जो हमारा बॉर्डर है उसको तैयार कर लेते हैं। जो भी साड़ी का एक्स्ट्रा बॉर्डर था उसमें से 2 15 इंचेस के हमने बॉर्डर्स को कट कर लिया और उस पर पेपर फॉर्म चिपका कर उन्हें सेट कर लिया। चलिए अब इसका नेक कट कर लेते हैं। नेक के लिए गाइस हमेशा पेपर फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे तो आपके नेक बहुत ही फिनिशिंग वाले बनेंगे। कुर्ता नेक बनाएंगे हम इसमें, जिसकी टोटल डीपनेस होगी 8 इंच की, जिसमें से मैं 6 इंच की राउंडनेस रखूंगी और 2 इंच का हम इसमें कट देंगे। इस तरीके से आपको इस पेपर फॉर्म को कट कर लेना है। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ आपका नेक बनेगा। देखिए गाइस कितनी परफेक्ट शेप बनी है, मैंने यहाँ कट दे लिया। आप क्या करना है, सिंपली फैब्रिक पर आपको इसको रखना है नेकलाइन को और आयरन इसे कर देना है। आप आउटर साइड को आपको इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे कट कर लेना और इसे ऑन फोल्ड करके फिर से इसकी क्रीज जमा देनी है, जिससे बिल्कुल भी गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी और नेक आपका बहुत ही परफेक्ट बनेगा। और साथ में एक नोच ज़रूर, जैसा कि हमने यहाँ पर सारी तैयारी अपनी कर ली है, आप सबसे पहले मैं यहाँ पर तैयार कर रही हूँ स्लीव्स को। तो ऊपर वाले पार्ट में हमने जो नीचे का जो प्लीट्स वाला पार्ट था उसको अटैच करते हुए हमने यहाँ पर प्लीट्स डाल ली हैं। पहले ऊपर डालनी है, फिर उसके बाद नीचे वाले पार्ट में भी सेम डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन रखें, ऑपोजिट डायरेक्शन ना करें, उसमें आपको फिर से प्लीट्स डाल देनी है। तो ये देख सकते हैं आप कितने खूबसूरत लग रही हैं प्लीट्स। अब जो एक्स्ट्रा नीचे का फैब्रिक होगा सिर्फ 1/2 इंच आपको रखना है, बाकी आपको कट कर लेना है। इससे क्या होगा, बहुत अच्छी फिनिशिंग से आपका जो नीचे का कफ है वो लगेगा। अब कफ का आपको इस तरीके से इस उल्टी वाली साइड को आपको अटैच करना है और फिर जो आप फ्रंट साइड पर बॉर्डर रखना चाहते हैं उसको फिर आपको ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए उसे लॉक कर देना है। तो ये आपका एक परफेक्ट कफ बनके तैयार हो जाएगा। तो देखिए हम जो हमारी स्लीव्स हैं वो बनके तैयार हो चुकी हैं। अब क्या करना है, अब हमें सबसे पहले जो है योक को जोड़ना है। इस योक बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो हमारा ऊपर वाला जो योक का पार्ट है उसे हमारी जो नीचे वाला जो पार्ट है बॉडी का उससे हमें इसको अटैच कर लेना है। गाइस जैसे कि मैंने बताया था फ्रंट में मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखा था, तो वो 2.5 इंच को हमें क्या करना है, उसमें प्लीट्स डालनी है और उसे अटैच कर लेना है। अब ये हमने उसकी प्लीट्स डाल के अटैच कर लिया और साथ में जो हमने पेपर फॉर्म लगा के उसका योक तैयार किया था उसे भी हमने इसके ऊपर पेस्ट कर लिया। अब ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है और अब सिंपली हमें क्या करना है, जो हमने पेपर फॉर्म नेक तैयार कर रखा था उसे हम इस पर इस तरीके से लगाएंगे और फिर हम नेक कंप्लीट कर लेंगे। इतने हमारा नेक कंप्लीट होता है। इतने आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपको थोड़ा थोड़े से नोचेस दे देने हैं और इसे पलट देना है। तो ये गाइस हमारे गले भी तैयार हो गए। अब हम इसकी कंधी जोड़ लेते हैं। तो इस तरीके से आप शोल्डर लाइन को जोड़ेंगे तो आपके नेक्स बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनेंगे। अब फाइनली हम अपनी जो स्लीव्स हैं उन्हें चढ़ा लेते हैं। तो ये हमने हमारी स्लीव्स को जल्दी जल्दी से चढ़ा लिया और ये हमारा कुर्ता बनके तैयार हो गया। तो गाइज आपको ये साड़ी को यूज़ करने का आइडिया कैसा लगा और ये ड्रेस कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं, तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब।